हाल ऐसा साफ है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। मुस्कुरा नहीं रहे शुक्ला साहब, आप क्या हुआ? एमपी राजस्थान तो जाता हुआ दिख रहा है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जरूर मामला अलग है। नहीं, हम मध्य प्रदेश तो प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, हम राजस्थान भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की बढ़त निश्चित है और तेलंगाना में भी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के पिछले परफॉर्मेंस की तुलना में लगातार परफॉर्मेंस में सुधार दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जिन राजनीतिक पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारेगी, आज उनको जो है बगले झांकने का समय है। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गेन कर रही है वो इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में भी हम लगभग जो है 100% जो है हमारी सीटों की संख्या में इजाफा अभी दिखाई दे रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव के जब जो है परिणाम का जो जब सेटल होना शुरू होगा तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त हासिल कर लेगी जीत के साथ। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। देखिए लड्डू बटने शुरू हो गए हैं, लड्डू बटने शुरू हो गए हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं कांग्रेस पार्टी के खेमे में, जहां जहां पर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में उनकी जीत हो रही है वहां पर लड्डू बट रहे हैं, टूटू जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन दो बड़े राज्य इधर देखिए, राजस्थान में 105 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अगर पहुंच गई है रोहन गुप्ता जी, तो बहुत दुखद संदेश दो बड़े राज्यों से आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। दो बड़े राज्य मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों। देखिए जब स्कोर की अब बात करें तो अभी 2-2 दिख रहा है और 3-1 की अपेक्षा है मुझे। मुझे लगता है जो राजस्थान और हम एमपी की जो बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा ट्रेंड दिख रहे हैं वो हमारे लिए उत्साहजनक नहीं है, बट फिर भी जो अभी सेकंड राउंड तक पहुंची है बात, पोस्टल बैलेट के बाद में सेकंड थर्ड राउंड तक जो काउंटिंग जो अभी मेरी राजस्थान भी बात हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से कम 22 राउंड है हर जगह पे, 22 राउंड जब खत्म होते हैं तब परिणाम आते हैं। जो राजस्थान का मामला अभी आपने देखा होगा, 10 मिनट के पहले जो सीटों का अंतर था 10 का था, तो मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि अभी भी दो में से एक राज्य में मुझे लगता है कि रिवर्सल होगा और 3-1 जो हर एग्जिट पोल ने 3-1 का स्कोर कांग्रेस की फेवर में दिखाया है, मुझे लगता है वो सही साबित होगा। चलिए ठीक है, जल्दी से शशि शेखर जी। हाँ रोहन जी, दो में से एक राज्य वो कौन सा है उसको थोड़ा खुलासा कीजिए। जो आप राजस्थान से उम्मीद कर रहे होंगे, क्यों मिस्टर गुप्ता? देखिए ऐसा है, आज शशि शेखर जी, आज एग्जिट पोल का तो टाइम है नहीं। अगर ये दो में से एक कौन सा, आप जैसे बड़े लोग धुरंधर पत्रकार नहीं बता पाए तो मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूं, पर मुझे अपेक्षा है कि दो में से एक राज्य कांग्रेस की फेवर में जरूर आएगा। लेकिन मामला एकदम फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है राजस्थान में भी, क्योंकि 77 पे आप अटकते दिख रहे हैं, 105 सेंचुरी पार बीजेपी चली गई है वहां पर, दो राज्य में, दो बड़े राज्यों में। जल्दी से शशि जी। रोहन जी तेलंगाना की बात नहीं हो रही, तेलंगाना में आप बिल्कुल साफ तौर पे जीतते नजर आ रहे हैं और ऐसा माना जाता था कि खुद जयराम रमेश ने कहा था पदयात्रा के बाद कि हमें लंबी लड़ाई लड़नी होगी, ये चमत्कार कैसे हुआ नंबर एक, और नंबर दो इसका आप क्या दूरगामी परिणाम देखते हैं? ठीक है, मैं लौट रही हूँ उनके पास, जवाब लेंगे। संजय जी, आपका लगता है प्रेडिक्शन सही हो रहा है राजस्थान को लेकर? राजस्थान में आपने कहा था कि बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। नहीं, मैंने नहीं कहा था, हम लोगों ने जो अपना पोल किया था उसके आधार पर हम बार बार कह रहे थे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगहों पर बीजेपी को बढ़त है और कांग्रेस और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत होगी। मुझे लग रहा है उस ओर नतीजे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कम से कम तेलंगाना और छत्तीसगढ़ तो बहुत क्लियर है, मध्य प्रदेश भी उसी ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, राजस्थान भी उसी ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान भी उसी ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। विनोद अग्निहोत्री जी, 105 अब सेफ्टी वाला क्वेश्चन आता जा रहा है और इधर 77 पर मामला कांग्रेस पार्टी काट का दिख रहा है, यानी राजस्थान भी बीजेपी की तरफ जाता हुआ। गैप बढ़ गया है, गैप बढ़ गया, तो बिल्कुल नेक टू नेक लग रहा था, कभी कांग्रेस आगे कभी बीजेपी आगे, तो लेकिन अब 70 और 105 से गैप हो गया है, तो मुझे लगता है कि ट्रेंड तो वही है जो संजय जी ने कहा था। तो अब अगर इसका विश्लेषण हम लोग करें तो ये अपने रोहन गुप्ता जी को सोचना पड़ेगा कि क्या सचिन पायलट भी अगर पीछे चल रहे हैं, अगर इनके बड़े बड़े नेता पीछे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेटजी में कमी रही होगी और इनको भरोसा मुझे लगता है अभी तक वो स्पष्ट नहीं कर पाए कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा भरोसा है या राजस्थान में ज़्यादा भरोसा है रोहन गुप्ता जी, कि कौन सा राज्य जीतने की उम्मीद कर रहे हैं।
मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक चुनौती जरूर है कि मध्य प्रदेश जो एक तरह से सभी लोग मान रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए आसान दिन है और बीजेपी सबसे ज्यादा अपनी जीत की उम्मीद अगर कर रही थी तो राजस्थान कर रही थी, लेकिन जिस तरह दोनों राज्य बीजेपी की तरफ जाते दिख रहे हैं अभी शुरुआती रुझानों में, अब पलटने की उम्मीद रोहन जी को है, पता नहीं संजय जी को है कि नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि अभी तक का जो परिणाम है, अभी तक का जो रुझान है, वो 50-50 तो है, लेकिन गेन बीजेपी इसलिए ज्यादा है कि एक राज्य वो बचा रही है अपना बड़ा राज्य और दूसरा राज्य वो कांग्रेस से ले रही है, इसलिए अगर उस टर्म में देखें, गेन के टर्म में मध्य प्रदेश में वापसी करना बहुत बड़ी बात मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को लेकर चर्चा भी हो रही थी, हम आपको कैलाश विजयवर्गीय के घर के बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद कंप्यूटर बाबा के पास लिए चलेंगे, क्योंकि दिग्गजों की जो हालत राजस्थान में हो रही है वो अपने आप में एक बड़ा संदेश है तमाम पार्टियों के लिए। कैलाश विजयवर्गीय के घर के बाहर सुनिए, परोपकारी मुख्यमंत्री चाहिए हमको, तो परोपकारी मुख्यमंत्री हमारे कैलाश जी विजयवर्गीय के अलावा कौन हो सकता है? लीजिए परोपकारी मुख्यमंत्री। देखिए जीत के साथ इस बार एक बहुत बड़ा मामला जो आपके सिर पर रहेगा वो है इधर प्रेम शुक्ला जी, मोबाइल छोड़िए, अरे सीएम किसको बनाएंगे प्रेम शुक्ला जी, फ्रीज हो गया क्या जी? प्रेम शुक्ला जी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, कैलाश विजयवर्गीय के लोग कह रहे हैं कि परोपकारी सीएम चाहिए, कर लेगा, हमारे यहाँ कोई संकट नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर हर किसी के कार्यकर्ता की अपेक्षाएं अपने नेता के लिए होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री चुनेगा जो परोपकारी होगा, बिल्कुल चिंता ना करें। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी मुख्यमंत्री पद के लिए जो है सिर्फ उठौल नहीं होती है, आपने देखा राजस्थान में क्या दशा थी अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में, छत्तीसगढ़ में क्या दशा थी सबने देखा, और मध्य प्रदेश किनकी सरकार कमलनाथ और ज्योतिरादित्य के झगड़े में कैसे गई सबने देखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सिर्फ टॉवल में नहीं जाती हैं। चलिए जल्दी से एक बार रिएक्शन रोहन जी से इस पर। रोहन जी, अब इधर जीत है, जश्न है, दो बड़े राज्यों का लेकिन फिसलना, मतलब एमपी में तो आपके लिए पूरा ग्राउंड था, इतनी लंबी एंटी इनकम्बेंसी, ज्योतिरादित्य सिंधिया उधर गए तो आपने कहा ये तो खोखा वाला मामला है, लेकिन जनता तो कह रही है कि उनके उन्हें बीजेपी पर भरोसा है, ये तो शायद सबसे बड़ा सेटबैक है। गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त बोल रहा है, आपको सुना देते हैं, जोधपुर से एमपी है, एक दावेदार ये भी है। अभी तो और इंतजार करिए, ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में, दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार में आएगी, ये हमने कहा था, और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आप देखते रहिए। सर, जिस तरीके से बात करें करप्शन और महिलाओं के खिलाफ जो तरीके से लगातार यहाँ पे क्राइम थी, लगता है वो सर, तो आप सुन रहे हैं जोधपुर में ही, सुनिए ये चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था, तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। लगता है कि गहलोत साहब की जो गारंटी थी वो वो तो जनता ने ही फेल कर दी, अब मुझे क्या लगना है यार। अब पार्टी कार्यालय में साहब, पार्टी कार्यालय। तो ये आप सुन रहे थे गजेंद्र सिंह शेखावत को, जोधपुर से सांसद है, इसी जोधपुर में सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत भी चुनावी मैदान में उतरते हैं। जोधपुर में लगातार डटे हुए थे गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन ये भी माना जाता है कि वो भी अपने आप को एक दावेदार, कम से कम उनके समर्थक मान रहे हैं।